नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे स्त्री वशीकरण की एक चमत्कारी और आसान विधि। अगर आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं, वो आपकी तरफ देखती भी नहीं है, लेकिन आप उसे पाने की चाहत रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर किसी स्त्री का आप प्यार पाना चाहते हैं तो ये टोटका आप एक बार जरूर करके देखें, आपको 100% इसका फायदा मिलेगा। बहुत ही आसान सी और छोटी सी विधि है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इस उपयोग को अपने घर पे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि यह विधि आप केवल और केवल गुरुवार के दिन ही करें, अन्यथा किसी दिन करेंगे तो यह विधि का असर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ना ही यह टोटका काम करेगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इस टोटके को अपने को करना है। सबसे पहले ध्यान रहे, गुरुवार के दिन आपको एक सफ़ेद कागज लेना और एक गुप्त स्थान पर जाकर बैठ जाना है। वहाँ पर आपको कागज के पीछे की साइड यह मंत्र लिखना है। मंत्र ध्यान से सुनिए दोस्तों, ओम काम देवाय रात कामिनी वो स्त्री मम वसम हो स्वाहा। वो स्त्री के स्थान पर आपको उस स्त्री का नाम लिखना है मंत्र के बीच में, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसका आप प्यार पाना चाहते हैं। ये आपको ठीक प्रकार से उस कागज पर लिख देना है और उस कागज को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लें और उस पर अपने ही पेशाब के 2 या 4 थोड़े बहुत छींटे मारने आपको अपने ही पेशाब के, और हाथ में बंद कर लेनी है मुट्ठी। और जो ये मंत्र आपने कागज में लिखा था, इसी मंत्र का आपको 211 बार जाप करना है और मन में अपने यही ध्यान रखना है कि वो स्त्री आपके पास आ रही है, वो आपके प्यार में गिर चुकी है, ऐसा कुछ आपको ख्याल अपने दिमाग में और मन में रखना है। जब आप मंत्र का ठीक प्रकार से जाप कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस कागज को जला देना है और इसकी राख का आपको तिलक लगाना है अपने माथे पर। यह तिलक आपको गुरुवार के गुरुवार आपको लगाए रखना है और उस स्त्री के सामने जाना है। आप बहुत ही जल्द देखेंगे कि वो स्त्री आपकी ओर आकर्षित हो रही है, जो आपकी तरफ देखती भी नहीं थी वो आपके लिए, जो आपको देखती भी नहीं थी वो आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी, आपके पास आने लगेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी कारणवश इस विधि को नहीं कर पाते हैं तो आप गुरु जी से भी सलाह ले सकते हैं। जय माता दी।